हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, और जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इस टॉपिक का नाम है करियर इन लॉ। लॉ में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। जो लोग लॉ में करियर बनाना चाहते हैं उनके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैं लॉ कर लूंगा LLB करने के बाद मेरे पास आगे क्या करियर ऑप्शन होगा। तो सबसे पहला आंसर जो मिलता है ना, वो आंसर ये मिलता है कि लॉ करने के बाद वकील बन जाओगे, लॉयर बन जाओगे, एडवोकेट बन जाओगे। मैं आपको यहां ये बात क्लियर कर दूं कि लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस होता है, राइट। एडवोकेट एडवोकेट्स एक्ट 1961 में गवर्न होता है, तो लॉयर और एडवोकेट दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, राइट। आगे जरा बात करते हैं। तो पहला जो आंसर आता है ना, वो ये आता है कि लॉ करने के बाद आप प्रैक्टिसिंग लॉयर बन सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन क्या सिर्फ लॉ में इतना सही करियर है? क्या लॉ में सिर्फ लॉयर बनना ही करियर ऑप्शन है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉ में इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, लॉ में बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो पहला जो करियर ऑप्शन लॉ में आता है ना, पहला करियर ऑप्शन लॉ में आता है कि प्रैक्टिसिंग लॉयर बन जाइए। और प्रैक्टिसिंग लॉयर बनने के लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिसिंग लॉयर बनने के लिए लॉ कंप्लीट करने के बाद, आइदर आप 3 ईयर्स LLB कर रहे हैं या 5 ईयर लॉ कर रहे हैं, वो करने के बाद आपको किसी प्रैक्टिसिंग लॉयर को ज्वाइन करना होगा। किसी सीनियर लॉयर को ज्वाइन करने के बाद, कुछ साल के एक्सपीरियंस लेने के बाद, यू कैन स्टार्ट योर ओन लॉ फर्म। हाँ, अब अपने खुद की लॉ फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। लॉ फर्म स्टार्ट करने के साथ साथ इसके बेनिफिट देखिएगा, लॉ फर्म स्टार्ट करने से आपके साथ और भी लॉयर्स काम करेंगे, और आपकी अगर लॉ फर्म बन चुकी है तो उसके बाद आप एक लॉयर एज वेल एज एंटरप्रेन्योर भी हैं, क्योंकि आपके लिए एक पूरी टीम काम कर रही है, आपके साथ आपके लिए एक पूरी टीम काम कर रही है, और आपके पास अच्छे रेप्यूटेड क्लाइंट्स बनते हैं। किसके थ्रू? लॉ फर्म के थ्रू। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इंडिया की टॉप लॉ फर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लीगल एडवाइस देती हैं। अमरचंद मंगलदास इसका एक एग्जाम्पल है। आगे मैं बात करूं, सर मुझे तो लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं बनना, तो हमारे लिए क्या करियर ऑप्शन है लॉ में? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो उन लोगों के लिए लॉ में क्या ऑप्शन है? देखिए, अगर आपको लगता है या आपके फैमिली मेंबर्स ये बोलते हैं कि बेटा गवर्नमेंट जॉब में जाना है, लॉ करने के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो लॉ में गवर्नमेंट जॉब करने का भी करियर ऑप्शन है। ये देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स में कौन कौन से ऑप्शन हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे हम कहते हैं सरकारी वकील, राइट। तो गवर्नमेंट लॉयर भी बना जा सकता है, अगेन वो प्रैक्टिसिंग का पार्ट है, लेकिन यहां आप गवर्नमेंट लॉयर बन जाओगे, यहां आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि यहां प्रैक्टिस करने के लिए गवर्नमेंट आपको सैलरी पे करती है। तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे APP भी कहते हैं, इसके एग्जाम्स अलग अलग स्टेट में होते हैं, राइट। सो अलग अलग जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम करवाते हैं, जिसके थ्रू आप सरकारी वकील भी अपॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा क्या करियर ऑप्शन है? इसके अलावा जुडिशरी, जुडिशरी सबसे ज्यादा एक्साइटिंग करियर लगता है लॉ स्टूडेंट्स को, कुछ लॉ स्टूडेंट्स को, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि लॉयर बनना उनके लिए ज्यादा अच्छा करियर ऑप्शन है, दैट इज ऑल्सो ए गुड चॉइस, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें लॉ करने के बाद जुडिशरी में करियर बनाना चाहिए। तो अगर जुडिशरी में काम करना है, अगर जज बनना है, तो लॉ करने के बाद वो भी एक करियर ऑप्शन है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए कोई प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ लॉ की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। हाँ, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप हाई कोर्ट जज भी बन सकते हैं या सीनियर जजेस भी आप बन सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, योर परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे लॉ में आगे बहुत सारे नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं, जुडिशरी की अगर बात की जाए तो। सर, जुडिशियल सर्विस में भी इंटरेस्ट ना हो तो? और जुडिशियल सर्विस का एग्जाम कौन करवाता है? देखिए, जुडिशरी सर्विसेज के एग्जाम के बारे में अगर बात करूं, तो जुडिशियल सर्विस का एग्जाम अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स करवाती हैं, ये अलग अलग स्टेट्स में होता है। मैं ये कह दूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स करवाती हैं या अलग अलग स्टेट्स में इसके एग्जाम होते हैं, जैसे कि हर साल दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज। सो अलग अलग स्टेट्स में जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, जिसके थ्रू आप जज भी अपॉइंट हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर मुझे जुडिशरी में इंटरेस्ट ना हो तो? अगर जुडिशरी में इंटरेस्ट ना हो तो भी लॉ में करियर ऑप्शन है, और वो करियर ऑप्शन किस में है? और वो करियर ऑप्शन है गवर्नमेंट बैंक्स में, जिसका एग्जाम IBPS करवाती है। गवर्नमेंट बैंक्स को लीगल ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है,
और वो लीगल ऑफिसर्स सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स ही हो सकते हैं। तो अगर आपने आईबीपीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आपके पास ये भी एक करियर ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट बैंक्स में एज ए लीगल ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हैं। ये भी करियर ऑप्शन अगर आपको पसंद नहीं आता तो एक और करियर ऑप्शन है, वो है सिविल सर्विसेज का। लॉ करने के बाद अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो वहां आपको एक एडॉन एडवांटेज मिलेगा। वो एडॉन एडवांटेज मिलेगा किसका? वो एडवांटेज ये होगा कि आप अपना स्पेशलाइजेशन लॉ का कोई पेपर चूज कर सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम में मिलता है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अगर लॉ ग्रेजुएट्स अपीयर होते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो लॉ के प्रोविजन से उनकी अंडरस्टैंडिंग बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी होती है। ये मेरा पर्सनली ऐसा मेरा मानना है। आगे मैं बात करूं तो अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करना है तो यहां भी लॉ में करियर ऑप्शन है। यस, लॉ करने के बाद LIC, RBI, SEBI जैसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस ये भी लॉ ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक्सपीरियंस होल्डर्स के अलावा फ्रेशर्स को भी हायर किया जाता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको मेरी तरह लगता है कि मुझे गवर्नमेंट, मेरी तरह आपको भी लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं करना, तो प्राइवेट सेक्टर में भी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले अगर कॉर्पोरेट लॉज में काम करने में इंटरेस्ट है, अगर आपको उस कंपनीज एक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको कॉर्पोरेट में काम करना है, सेबी की लॉ में इंटरेस्ट है, तो उस केस में आपके लिए करियर ऑप्शन है कि आप लॉ के साथ सीएस परस्यू कर सकते हैं और सीएस प्लस एलएलबी के कॉम्बिनेशन से आप कॉर्पोरेट में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो उस केस में आप कॉर्पोरेट एडवाइजर बन जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज को कॉर्पोरेट एडवाइजरी कौन देता है? लॉ ग्रेजुएट्स, जो कि कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि वाइंडिंग अप के ऊपर, मर्जर अमलगमेशन के ऊपर, राइट, पब्लिक इश्यूज के ऊपर, इन सारे टॉपिक्स पे एडवाइस देने का काम कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट ही कर सकता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो अगर आपको लगता है कि मुझे सीएस नहीं करना, सिर्फ लॉ किया है, कॉर्पोरेट लॉ में इतनी मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बैंकिंग लॉज में अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और अगर आपको बैंकिंग लॉ में इंटरेस्ट है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एनी प्राइवेट सेक्टर बैंक। यस, प्राइवेट सेक्टर के सारे बैंक्स, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, कोई भी बैंक हो, इन सारे बैंक्स को लीगल एडवाइजर्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम लीगल रिटेनर्स भी कहते हैं, क्योंकि बैंक्स के अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोन मैटर्स, चेक बाउंस का कोई मैटर है, तो ऐसी कंपनीज को लॉ ग्रेजुएट्स की भी जरूरत पड़ती है, इनके बिना बैंक्स भी काम नहीं कर सकते। तो अब आप यहां तक देखिए, यहां तक जो मैंने करियर ऑप्शंस की बात की है, तो लॉ करने के बाद कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट जॉब का भी ऑप्शन है, बिजनेस करने का भी ऑप्शन है, और अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना है तो उसका भी ऑप्शन है। अगर इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है तो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी एक करियर ऑप्शन है। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है? आपने BPO सुना होगा, आपने KPO सुना होगा, बट अब हम बात करें LPO की, एंड LPO स्टैंड्स फॉर लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें कि इंडिया के लॉ ग्रेजुएट्स फॉरेन के लॉयर्स को पैरा लीगल सर्विस ऑफर करते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो इंडिया के लॉयर्स फॉरेन के लॉयर्स को लीगल असिस्टेंस ऑफर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया का लॉ UK एंड US के लॉ से बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो इंडिया के लॉयर फॉरेन के लॉयर्स के लिए भी काम कर सकते हैं अगर लॉ की क्वालिफिकेशन है तो, राइट। अगर लगता है कि इन सब में से आपको किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है कि ना तो मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, लॉ तो करना है लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करनी मुझे प्राइवेट सेक्टर में भी काम नहीं करना, मुझे प्रैक्टिस भी नहीं करनी, तो आपके लिए एक और करियर ऑप्शन है, एंड दैट करियर ऑप्शन इज एकेडमिक्स। अगर आप लॉ करके आप ये चाहते हैं कि आप अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर करें, अगर आप में टैलेंट है कि आप मुश्किल चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप लॉ के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। लॉ करने के बाद अगर आपने LLM किया है, राइट, आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ, अगर आपने LLM किया है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया है, उसके बाद या तो आपने UGC नेट एग्जाम क्वालिफाई किया हो, UGC नेट जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करवाता है, या फिर आपने PhD किया हो, अगर इन दोनों में से कोई एक भी क्वालिफिकेशन आपके पास में है
तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर भी बन सकते हैं और चाहें तो लॉ के ऊपर बुक्स भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ मेजर करियर ऑप्शंस बताए जो कि लॉ की फील्ड में हो सकते हैं। ये ऑप्शन बताना मेरे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि लॉ के प्रोफेशन में आते हैं या फिर सोचते हैं कि लॉ में करियर बनाना है तो उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं कि लॉ करने के बाद क्या होगा, लॉ करने के बाद मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो लेट मी टेल यू कि लॉ करने के बाद जॉब्स की कोई कमी नहीं है और लॉ करने के बाद हर सेक्टर में जॉब्स हैं। जिस सेक्टर को भी आप ज्वाइन करना चाहेंगे ना, उस सेक्टर में आपको जॉब जरूर मिलेगी अगर आप में टैलेंट है तो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।